दिल्ली सरकार आज शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर राजधानी के पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों को सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनने में मदद करने के उद्देश्य से देशभक्ति करिकुलम लागू करने जा रही है। आपको ये भी बता दें कि देशभक्ति पाठ्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शाम 4:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। स्कूल में देशभक्ति पाठ्यक्रम के जरिए बच्चों को देश के प्रति उनके कर्तव्य का एहसास कराया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इस संबंध में मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से स्कूल में पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। ये करिकुलम बच्चों को देश के प्रति गर्व करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही बच्चों को देश की गौरव गाथाएं और देश की आजादी की गाथाएं सुनाई दे जाएंगी। आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल क्लास 9 से 12 के छात्र के फिजिकल कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी के लिए स्कूल आ रहे कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। एक बार स्कूल से खुलने के बाद बाकी छात्रों को भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। निर्देशालय ने स्कूल को 3 वर्ग समूहों के लिए प्रत्येक स्कूल में 3 देशभक्ति नोडल और शिक्षक नियुक्त करने के लिए कहा है। नर्सरी से कक्षा 5, कक्षा 6 और 8, इसके साथ ही 9 और 12 तक अधिकारियों ने कहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान पर भी परीक्षण परिषद द्वारा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच सभी नोडल शिक्षकों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को नई सौगात देने जा रहे हैं। आपको बताएं कि वह सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 विशेष किस्मों को देश के किसानों को समर्पित करेंगे। फसलों की ये विशेष किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की हैं। इसके साथ ही इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। इन किस्म का इस्तेमाल फसल की पैदावार बढ़ाने में भी किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम इस सौगात को, आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्टेट टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे इस दौरान और कृषि विश्वविद्यालय को हरित परिषद पुरस्कार प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, पीएम कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। आपको बताएं कि पीएम मोदी आज जिन फसलों की विशेष किस्म की सौगात देश को देने वाले हैं, उन फसलों में चने की एक ऐसी फसल भी है होगी जिसमें आसानी से सूखे की मार झेल सकता है। अरहर की पैदावार बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधी फसल को भी शामिल किया गया है। जल्दी पकड़ने वाली किस्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी विकसित किया गया है। इसके अलावा बाजरा, मक्का, कुट्टू और जैसी फसलों की भी अलग वेराइटी है। आपको ये भी बताएं कि देश को आज मिलने जा रही है ये वैरायटी और लगातार बदलते मौसम और मानसून की जो देखते तब्दीली जो आती है उसमें पीएम मोदी की ये सौगात आने वाले दिनों में देश को खाद्यान्न संकट से भी बचा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों की सुनवाई और रिपोर्टिंग के लिए कई कड़े दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जस्टिस जीएस पटेल के आदेश के अनुसार अगर माना जाए तो ऐसे सभी मामलों की जो सुनवाई है वो, आपको बता दें कि बंद कमरे में या जजों के चैम्बर में होगी और खुली अदालत में आदेश पारित नहीं किया जा सकता या फिर हाई कोर्ट के आधारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। जस्टिस पटेल ने बताया कि, आपको बताएं कि अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही या फैसले की रिपोर्टिंग करना मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है इसके खिलाफ। और ये भी बता देते हैं आपको कि दिशा निर्देश का उल्लंघन या संबंधित पार्टी के
नाम या अन्य विवरण मीडिया के प्रकाशित करना अदालत की अवमानना के रूप में माना जाएगा। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा है कि संदर्भ में दोनों पक्षों और सभी पक्षों को अधिवक्ताओं के साथ ही गवाही को किसी भी, आपको बता दें कि आदेश निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या फिर मीडिया को दाखिल करने या फिर सोशल मीडिया पर सहित किसी भी माध्यम से फैशन में बिना किसी विशेष जानकारी के ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना कर दिया गया है। कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनुसार अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों, सभी पक्षों और अभिवक्ताओं के और गवाहों के बिना विशेष अनुमति के किसी भी आदेश निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या फिर मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने में मना कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी किसी भी फाइलिंग आदेश का निरीक्षण या फिर कॉपी करने के लिए सख्त प्रतिबंध है। पूरे रिकॉर्ड को सील करके रखा जाएगा। इसके साथ ही अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं इसको सौंपा जाएगा। गवाहों के बयानों को भी किसी के तहत सख्ती से अपलोड नहीं किया जाएगा।